करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करूँ माँ, मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। एक बुढ़िया थी, उसके सात पुत्र थे, छह कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया भी छह की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो बचता सातवें को दे देती थी। परंतु वह भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यारा है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। बहू ने कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया, घर में सात प्रकार के भोजन और लड्डू बने हुए। जांचने के लिए सिर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में से सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छह भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने सात प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जमाती है। छह भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठना बेटा, छाऊ भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। बहू ने कहा, लड़के ने कहा, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल दिया। चलते समय बहू की याद आई, वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धुरु में धीर, सुधी हमारे ने विसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो और ये अंगूठी ले लो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। और उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। जय हो माँ संतोषी की। वह चलते चलते दूर देश पहुंचा, वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली तो सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। साहूकार के कई नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे, यह तो बड़ा होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर चला गया। जय हो माँ संतोषी की। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करके लकड़ी लेने जंगल में भेजते और भूसे के लकड़ी लेने जंगल में भेजते और रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल के नरोली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। वह एक दिन लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि इस व्रत का विधान मुझे समझाकर बताओगी तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, प्रीतम बार गया हो तो शीघ्र आवे, मन
कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजठौर में मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, और भी जो कुछ मनोकामना हो सब पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं। वह कहने लगी, यह व्रत किया कैसे जावे, यह भी बताओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तब स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो स्वा पैसे या स्वा रुपये का भी सोलित अनुसार लेना, जितना घी बन सके लेना, घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना सुनना, परंतु नियम न टूटे, इस दिन व्रत में कोई खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया के बेटे की बहू चल दी, रस्ते में लकड़ी के बोझ को बेच उन पैसों से गुड़ चना ले, माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ी, सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह किसका मंदिर है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है, जय हो माँ संतोषी की। तब संतोषी माता के चरणों में लेटकर कहने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती। इस तरह एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया, जय हो माँ संतोषी की। अब लड़के ताना देने लगे, अब तो काकी की चलेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे पैसा आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ गई, मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे रुपया नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहिए। तब माँ ने कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी, जय हो माँ संतोषी की। अब माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, आवेगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, लगता उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माता रानी बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह कहने लगा, माँ मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन क्या कमी है। वह बोली, भोले पुत्र, माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी शुद्धि ले। वह बोला, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु माता जी मैं जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर घी का दीपक जला, माँ को दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सारा लेन देन हिसाब किताब सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। माता का चमत्कार देख खुश हो, मन में ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ ने लोगों से स्वप्न की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मानी, सच झूठ के बदले में देवता ने जैसा कहा वैसा कर, इसमें तेरा क्या जाता है। तब बूढ़े की बात मान, नहा धोकर घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा माँ को दंडवत कर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठों में भरे सामान के नगद खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। माता का चमत्कार देख खुश हो, मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत घर की ओर रवाना हुआ, जय हो माँ संतोषी की। अब बहू पर क्या बीती सुनो। वहाँ उसकी स्त्री लकड़ी लेने जंगल में जाती और लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है, वह तो उसके रोज रुकने का स्थान जो ठहरा, जय हो माँ संतोषी की। दूर से धूल उठती देख माता से पूछती है, माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ी के तीन गट्ठे बना ला, एक नदी के तट पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख, तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा, तब तो लकड़ी का गट्ठा लिए हुए जाना और भारी बोझ आंगन में डाल, जोर से तीन नवाजे देना, लो सासू जी गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन बहुत अच्छा कहकर माता जी कहकर लकड़ी के तीन गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। इतने में एक मुसाफिर वहां पहुंचा, सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन खा पीकर माँ से मिलने जाए।
जय हो माँ संतोषी की। तब भोजन बना, विश्राम ले, घर को गया, सबसे प्रेम से मिल ही रहा था कि उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आती और भारी बोझ आंगन में डाल जोर से तीन नवाजे देती। लो सासू जी गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन उसकी सांस अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। तब अंगूठी देख व्याकुल हो वह माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। तब माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, चार समा कर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर ताले का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे मकान की तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान लगा, एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया, अब क्या है सुखपूर्वक रहने लगे, जय हो माँ संतोषी की। इतने में अगला शुक्रवार आया, बहू ने कहा मुझे माता का उद्यापन करना, पति ने कहा करो, वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे भोजन के समय सब खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना नहीं भाता। तब बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ, बोली वो कुछ नहीं जानती थी सो भूल से उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ला खाने लगे, यह देखकर बहू पर माता जी ने क्रोध किया, राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए, जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया था सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए, अब सब मालूम पड़ेगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहुत से वचन सहन न हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई, कहने लगी, माता तूने ये क्या किया, सा करके क्यों रुलाने लगी। माँ कहने लगी, बोली पुत्री तूने उद्यापन भंग करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उनको पैसे दे दिए। तब वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, मुझे माफ कर दो। तब वह बोली, माँ अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा मालिक, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला, जय हो माँ संतोषी की। उसने पूछा कहाँ गए थे, वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह बोली, अच्छा हुआ, अब घर को चलो। तब अगला शुक्रवार आया, बहू ने कहा मुझे माता का दोपन करना है, पति ने कहा करो। वह फिर जेठ के लड़कों को कहने गई, जेठानी ने पहले ही सिखा दिया तुम खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, खीर खाना नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ वरना। ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी, यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया, इसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नौवें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र को लेकर रोज माता के मंदिर में जाने लगी, जय हो माँ संतोषी की। माँ ने सोचा, यह रोज मेरे घर आते, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाए, गुड़ और चने से सने सूंड के समान होंठ पर मक्खियां बिन बिना रही थी, दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल आ रही है, लड़को इसे भगाओ वरना सबको खा जाएगी। लड़के डर कर चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे, बहू रोशनदान में से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल हो कहने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोले रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह कहने लगी, माँ जी ये वही संतोषी माँ है जिनका मैं व्रत करती हूँ, और इतना कहकर झट से सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देती है।
तब सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माँ हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हे माता जगत जननी हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, रिद्धि सिद्धि दे, धन दौलत दे, सुख संतोष दे। बोलो संतोषी माता की जय, जय हो माँ संतोषी की। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, तन सिंगार कीनो। ओम जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी हीरा पन्ना दम के तन सिंगार कीनो। ओम जय संतोषी माता गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, बदन कमल सोहे, मंद हसंत करुणामयी, मंद हसंत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी ता गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, मैया तमे संतोष कियो, संतोषी कहला, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी ता शुक्रवार प्रियत मानता जे दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। ओम जय संतोषी माता ध्यान धरो जन तेरा मन वांछित फल पायो, पूजा कथा स्वर्ण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी ता भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी ता संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गाता, सुख संपत्ति धन दौलत जी भर के पाता। ओम जय संतोषी माँ।